तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल विशाल एजुकेशन में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए हम आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि काइन मास्टर का यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप जब भी काइन मास्टर ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये इस पर क्लिक करना है, करेक्ट नाउ, करेक्ट न्यू, इस पर क्लिक करना है। और अगर दोस्तों आपको YouTube साइज वाली वीडियो बनानी है तो दोस्तों ये पहले वाले पे ही आपको रखना है। अगर आपको Instagram के लिए वीडियो बना रहे तो ये देखो इंस्टा की रील का लोगो इधर दिया गया है। और अगर आपको इंस्टा में पोस्ट डालनी है तो ये इंस्टा की पोस्ट की भी सब साइज की यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यूट्यूब साइज का वीडियो एक बना कर दिखाता हूँ दोस्तों। तो देखिए इसे हमको नेक्स्ट पे कर देना है। तो दोस्तों फिर आपके सामने ऐसा आ जाएगा और आपको अपनी गैलरी में से कोई भी अपना यूट्यूब साइज वाला वीडियो है वो आपको ले लेना है। आपके फ़ोन में कोई भी यूट्यूब साइज वाली फ़ोटो होगी, कोई भी चीज़ होगी, वो आपको पहले सेलेक्ट कर लेनी है दोस्तों। तो मैं दोस्तों यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ जो यूट्यूब साइज का हो। तो दोस्तों मैं ये वीडियो ले लेता हूँ जो मैंने काइन मास्टर में एडिट किया है दोस्तों। ये वाला वीडियो मैंने देख लो दोस्तों ले लिया है ये वाला वीडियो। देखे दोस्तों ये वीडियो मैंने ले लिया है, यूट्यूब साइज का है ये वीडियो दोस्तों। आप वीडियो ले लिया है और आपको फिर इस पर कोई भी आपको कुछ भी लिखना है आपको इस पर, तो दोस्तों आपके ये लेयर पे टिक करना है दोस्तों। ये दिख रहा है यहाँ पे, उस पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। फिर आपके सामने ऐसे 1 2 3 4 5 ऑप्शन खुल जाएंगे दोस्तों। तो आपको कोई भी इस पर टाइपिंग करना है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी टाइपिंग करना है तो दोस्तों आपको ये वाले टेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। देखिए आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं दोस्तों मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, इस साल मैंने मेरा नाम लिख रहा है दोस्तों। आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं और आपको दूसरा तो आते ही होगा, इसको नाम को एडिट आप कर सकते दोस्तों। ऐसा टेक्स्ट पे आप लिख सकते हैं दोस्तों। आपको इस पर कुछ भी इफेक्ट लगाने हैं दोस्तों तो आप लगा सकते हैं इफेक्ट भी इस पर दोस्तों। देखिए इस तरह इधर से इसको कट कर देना है दोस्तों, इधर से कट कर सकते हैं दोस्तों। और इस पर आप लगा सकते हैं कोई भी इफेक्ट आप लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों देख सकते हैं आप, देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे लगा दिया है। देखिए दोस्तों आप ऐसे लगा सकते हैं दोस्तों। तो अब हम आपको सिखाएंगे कि आपको ग्रीन स्क्रीन है वो आपको हटानी कैसे है दोस्तों। आपको वीडियो बनाना है बहुत ही अच्छा और आपको यूट्यूब में से ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो लिया है और आपको ग्रीन स्क्रीन हटानी नहीं आती दोस्तों, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि वो ग्रीन स्क्रीन को आप कैसे हटा सकते हैं दोस्तों और आप एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपको सिखाने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में से कोई भी अपना एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, या फिर वीडियो या फ़ोटो किसी को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो मैं आपको सिखाने के लिए मेरा ही फ़ोटो एक सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ये वाला फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये लेयर दिख रहा है उधर पे आपको टच करना है और ये दिख रहा होगा सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा मीडिया। तो दोस्तों आपको ये मीडिया पे क्लिक कर देना है दोस्तों और वहाँ से आपको आपने जो ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड की है वो आपको रख देनी है जहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन हटानी है। तो दोस्तों मैं ये ग्रीन स्क्रीन अब हटा दूँगा दोस्तों, ये मोबाइल में मेरा फ़ोटो आ जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है दोस्तों। देखिए आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन गायब हो गई है, जितना भी नीला कलर का जो भी रंग होगा वो गायब हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों ये मेरा फ़ोटो आ गया है, फ़ोन पे आ गया है मेरा फ़ोटो। तो दोस्तों आप ऐसे ग्रीन स्क्रीन को हटा सकते हैं। दोस्तों कैसे हटा नहीं है आपको ग्रीन स्क्रीन, फिर एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे दोस्तों ग्रीन स्क्रीन आपको डाउनलोड की है वही ऐसे आप रख सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इधर पे क्लिक करना है और इधर ऐसा कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है जो, इधर पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। ये दिख रहा है आपको, ये वाले पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों ये वाले पे आपको क्लिक करनी है, आपको ये इनलेबल है उसको ऑन कर देना है दोस्तों। तो ये हट जाएगी ग्रीन स्क्रीन आपकी। दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आप भी ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक शेयर भी कर देना। दोस्तों अगर आपके पास डुप्लीकेट काइंड मास्टर है, प्ले स्टोर में से डाउनलोड किया होगा तो उसमें आपको लोगो आ रहा होगा, इधर साइड में आपको लोगो आ रहा होगा। दोस्तों देखिए मैंने ये वीडियो सिलेक्ट कर लिया, देखिए तो मेरे को इधर साइड में लोगो नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको लोगो आ रहा होगा दोस्तों, तो आपको वो ओरिजिनल काइंड मास्टर चाहिए तो मेरे डिस्क्राइबिंग में उसकी लिंक दी गई है दोस्तों, तो वहाँ से आप जल्दी से डाउनलोड कर सकते हो। और लिंक पे से आपको डाउनलोड नहीं करना है तो दोस्तों आपको गूगल पे सर्च करना है WW Pro काइंड मास्टर, आपको सर्च मारना है। उस पर जो लिंक खुलेगी उसमें 100% डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।